Yes. No. I get it. One more. Yeah, hello. फोटो अरे फोटो इतना अरे तुम लोग इतना आगे जाएगा तो कैसे भैया थोड़ा वाइड में आओ रे आया बाग में आया चल तू रेशन लगा अरे थोड़ा पीछे आओ वाइड में जाकिदा इधर जाकिदा पीछे जाकिदा कि सर हमारे बच्चे आ रहे हैं और वो बड़े हो गए हैं और आपको आना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा तो क्या चाहते हैं आप। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी जो जिंदगी थी वो पहले म्यूजिशियन थे, कंसर्ट्स करते थे। बोले सिंगर तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गया। तो उनके घर में एक बहुत अच्छा पियानो पड़ा हुआ था, मैंने पियानो देखा और मैंने देखा मुझे मालूम था कि पियानो बहुत खूबसूरत बजाते हैं। तो मैंने बोला सर क्या आप कबूल करेंगे कि आप हमारे बच्चों के लिए एक पियानो का एक अंदाज अपनी उंगलियों से बजाकर उन्हें सुनाएं, और उन्होंने मंजूर किया। थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रॉय फॉर बीइंग हियर विद अस। और दूसरे एक मेरे बहुत शरारती दोस्त हैं और उनका नाम है रमता जोगी, वो भी यहाँ पर हैं। वो कब आते हैं कब चले जाते हैं मालूम नहीं होता, लेकिन आज आ चुके हैं आप सब लोगों के लिए। सुखविंदर सिंह, अब ये जब रौनक लगाते हैं तो हमें ही बोलना पड़ता है कि सुबह के 4 बज गए हैं अभी बंद करते हैं। थैंक यू सुखविंदर फॉर बीइंग विद अस। हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर जो थी पलक, वो भी आने वाली थी आज, लेकिन अभी 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया बेचारी का कि उनके फादर को कुछ हार्ट अटैक हुआ है और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो माय प्रेयर्स फॉर हर फादर एंड अदर पर्सन, ए वेरी टैलेंटेड पर्सन इज श्याम देवेनकर। श्याम जी का जो रिदम का सेंस है, मैं नहीं समझता कि आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास है। वो हमारे आज पार्टिसिपेट करेंगे और जो रिदम सेक्शन और प्रकर्शंस का आइटम आपके सामने होगा वो आज कभी आप भूल ना सकेंगे, ये मेरा वायदा है। सो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने गेस्ट का, अब्बास मस्तान साहब का, राज जी का, जितने भी मेरे गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल। दिस इज़ अ ग्रेट डे फॉर मी when I see my children coming back to me, it is very emotional, more than my birthday. I feel it's a birth of whistling woods. And I feel very emotional when I see all of them cheerful, happy, and shouting with love and excitement. Thank you, I love you all. Now enjoy the musical moments, and then we will have a party. Lekin aaj peena nahi zyada.
ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। एंड गाइस, जैसे सुभाष सर ने कहा कि बाद में पार्टी है, सो आप लोग अभी से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारे गेट्स, दरवाजे, सारे द्वार बंद हो चुके हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, हम तो बहुत छोटे हैं उनके टैलेंट के सामने उनके। तो सुभाष सर ने ऑलरेडी उनके बारे में आपको थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। द नेक्स्ट गेस्ट इज एन अमेजिंग सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर एंड इज अ वेरी वेरी वेरी। और क्या इंस्पायर करता है, कोई ड्राइव करता है? मेरे पास सिर्फ एक ही छोटा सा खजाना है, वो है प्यार। मुझे प्यार जितना मिलता है उसी को लेके मैं रिसाइकिल करके अपने अंदर एक उससे भी ज़्यादा प्यार मैं उजागर करता हूँ, और वो मैं अपने प्यारों को, अजीज़ों को मैं पेश करता हूँ अपने संगीत के ज़रिए। और सुभाष जी और के साथ मेरा इतना पुराना रिश्ता है कि वो जब भी मिलते हैं, जब भी इतने साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा हो गया, कि उन्होंने हमेशा बहुत प्यार किया, और तो उनके साथ एक रिश्ता मेरा बहुत अलग है। और उन्होंने जिस प्यार मोहब्बत के साथ ये खूबसूरत व्हिस्टलिंग वुड्स बनाया है मेघना के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सर्विस उन्होंने जो की है अपने फील्ड में, इस फील्ड में, वो बहुत काबिल तारीफ है। और मैं जब भी हो सके, मैं जब भी वो पुकारेंगे, मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ। एक और प्यार आपको मिला है भारत देश, आपको भारत की नागरिकता मिली, क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे, कितना ओवरवेल्म महसूस कर रहे हैं? मैं अपनी खुशी का तो इजहार मैं कर ही नहीं सकता कि वो कितनी बड़ी है। एक ख्वाब मेरा पूरा हुआ है, और इस ख्वाब को पूरा करने में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने मुझे इतने प्यार के साथ गले लगाया, और बात यह है कि और जिस अंदाज में उन्होंने ये प्यार मुझे दिया और सिटीजनशिप दी एक तोहफे के तौर पे 1 जनवरी 2016 में, तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत, प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, राजनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, किरण रिजिजू जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा जो प्यार मुझे सब पूरे हिंदुस्तान ने दिया है वो मेरे लिए अनमोल है। और मैंने हमेशा अपने आप को दिल से इस मिट्टी के साथ जोड़ा है, और एक कागज़ की कमी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी कर दी, और अब लीगली भी ये मुझे गले लगाया, तो मैं बहुत शुक्रिया। मैम, थैंक्स टू यू कि आपने ये तोहफा कबूल किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तोहफे से पहले और इस तोहफे के बाद क्या लोगों के नजरिए में आपको कोई बदलाव नजर आया है आपके प्रति? जी, अब मुझे काफी लोगों ने बल्कि उल्टा कहा कि अरे आप अभी तक हिंदुस्तानी नहीं थे, हमने तो सोच लिया था कि आप पहले से ही हिंदुस्तानी है, वो तो अब खबरों की वजह से पता लगा। तो प्यार में हमेशा कोई कमी नहीं थी, और वही प्यार था जिसकी वजह से मैं इस चीज़ के बहुत दिल से ख्वाहिश लिए हुए बैठा हुआ था। तो लेकिन जो इसके बाद और भी ज़्यादा प्यार मिला, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इससे ज़्यादा भी और प्यार मिल सकता है, क्योंकि जितना मुझे ऑलरेडी मिल चुका था मैंने कहा कि यार इससे और क्या हो सकता है, लेकिन और हुआ। You see, the thing about Mr. Ghai is that technically speaking, he's turned 72, but if you switch it around, mentally he's 27. He's 23 by heart. Yes. And about 50 by age. So you can say he's 50 and 23. अगर आपने ये ना बोला होता तो मेरे लिए तो वो अभी 50 years of age है, और उनका जो
अभी थोड़ी देर पहले राजनाथ जी ने बहुत एक खूबसूरत बात बोली कि शायद उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या इस इंडस्ट्री और इस सिनेमा सिनेमैटिक दुनिया को क्या दिया है, क्योंकि वो दैट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, लेकिन उनके अंदर जो एक एक अभी भी प्यास है कि मुझे अभी कुछ करना है, जैसे कि उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, वो जो उनके अंदर जो एक एक प्यास और आग उनके अंदर लगी, दैट इज इंस्पिरेशनल एंड दैट इज समथिंग कि इंसान लोग बड़ों बड़ों को और बहुत सारे लोग जो उनसे बहुत छोटे हैं उनको इनके इस एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इतना कुछ हासिल करने के बावजूद उनका 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 मिजाज और उनका अंदाज जिंदगी को अपनाने का जो है वो ऐसा है जैसे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया. तो इट्स समथिंग व्हिच इज रियली रियली रिमार्केबल. आई अंडरस्टैंड यू हैव टू लीव बट वी सॉ योर परफॉर्मेंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज मेसमराइज्ड. बट एज यू सेलिब्रेट द फर्स्ट गणतंत्र दिवस इन एज एन इंडियन, वी जस्ट वांट टू हैव यू कैन एक्सप्रेस इन सम वॉइस इन सम सॉन्ग. यस, कुछ चंद शब्द एज एन फर्स्ट इंडियन मैं अपने गाने का एक मतलब कि जिस तरह से मैं देखता हूँ, जिस तरह से मैं हिंदुस्तान के साथ रोमांस करता हूँ, वो मैं इस तरह से कहूँगा कि ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए. थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू यू. I love you all. Thank you.